हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ का ये फाइनल पार्ट है। पार्ट वन इसका इससे पहले अपलोड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है आप लोग जाकर के देख लें। इस नंबर सीरीज़ के वीडियो में हम लोग वे सारे क्वेश्चन करेंगे जो SSC CGL 2021 के सारे सभी शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो एक वीडियो हो चुकी है, उसमें लगभग 23-24 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपको मैथ, रीजनिंग और GS की क्लासेस मिलती हैं। इसके साथ साथ में किसी भी जॉब की नोटिफिकेशन हो वो भी मिल जाती है। तो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने टोटल 22 क्वेश्चंस कर लिए थे। कंटिन्यूएशन में हम लोग 23rd क्वेश्चन देखेंगे। पिछली वीडियो को थोड़ा सा हम लोग रिमाइंड करते हैं। तो उसमें हमने कुछ चीज़ें सीखी थी, किसी भी सीरीज़ को कैसे पहचानेंगे कि वो मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ है या फिर इसमें क्या हो रहा है, मतलब उसमें जोड़ा जा रहा है कुछ या घटाया जा रहा है या गुणा किया जा रहा है। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि अगर किसी सीरीज़ में ग्रोथ जल्दी जल्दी हो रही है, मतलब 12 से लेकर के 350 हो गया सीधे, ठीक है, तो इसमें देखो 12 से 350 चार ही स्टेप में हो गया, इसमें ग्रोथ जल्दी जल्दी हो रही है। तो जो जिनमें ग्रोथ जल्दी जल्दी हो रही होगी वे सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे, मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस होंगे। जिनमें ग्रोथ धीरे धीरे हो रही होगी वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन वाले होंगे क्वेश्चन। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस होते थे जिसमें स्क्वायर या क्यूब रूट जोड़े जा रहे थे, क्यूब जोड़े जा रहे थे। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने टोटल 22 क्वेश्चन किए थे। आज 23rd क्वेश्चन करना है। आप लोगों को उसी पैटर्न में ही इन क्वेश्चन को भी करना है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने किया था कि 30 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करना होता था और फिर उसका आंसर निकालना होता था। अगर आपसे निकल जाता था तो अच्छी बात है, नहीं निकलता तब हम लोग वीडियो का सोल्यूशन देखते थे आगे। आप लोगों को इस वीडियो में भी वही रूटीन फॉलो करना है। आप लोगों को वीडियो को 30 सेकंड तक रोकना है, उसके बाद में अपने आप लगाने की कोशिश करनी है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, फिर उसके बाद में आपको सोल्यूशन देखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में देखो क्या हो रहा है, 12 से 38 हो गया। तो 12 का कितने टाइम्स होगा, लगभग ये × 3 टाइम्स, फिर प्लस 2 × 3 प्लस 2, मतलब 12 × 3 = 36 प्लस 2 करेंगे। अगर 38 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो ये आएगा 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, मतलब 114 आएगा। × 3 + 2 करेंगे तो 116 आ जाएगा। 116 को करेंगे तो 316 × 3 = 48 प्लस, मतलब × 3 + 2। ये सीक्वेंस समझ में आया क्या हो रहा है, 12 को 3 से गुणा किया गया फिर 2 जोड़ दिया गया, 38 को 3 से गुणा किया गया 2 जोड़ दिया गया, यही चल रहा है। तो 350 को 3 से गुणा करना है और फिर 2 जोड़ देना है। पिछली वीडियो में हमने आपको ऑप्शंस भी दे दिए थे तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो गई थी। इसमें हमने जानबूझ करके ऑप्शंस नहीं दिए हैं ताकि आप लोगों की एक्सरसाइज थोड़ा ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, 350 × 3 करेंगे तो आएगा आपका 105, 35 × 3 = 105, और उसमें 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1052। आपका आंसर क्या आएगा, 1052। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 (83), 118, 160, 210। अब देखो इसमें जो ग्रोथ हो रही है वो धीरे धीरे हो रही है। ठीक है, यहाँ से कितना बड़ा है पीछे से देखें, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क है तो हम ये सीरीज पीछे से कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन अगर होते तो ऑप्शन से भी हम ये क्वेश्चन कर सकते थे ऑप्शन पुट करके। तो एक बार पीछे से देख लेते हैं, यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ है 50 का, यहाँ पर इसमें से अगर इसको घटाएं तो कितना आएगा, 42 आएगा, इसमें से अगर इसको घटाएं तो 18 और 17 = 35। तो देख रहे हैं हम इसमें कुछ सिक्वेंस बन रहे हैं, यहाँ 8 घटे, यहाँ पर 7 घटे, अब कितना घटना चाहिए, 6, 35 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 29। अगर 83 में से 29 घटाएं, 83 में से 29 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 83 - 29 ये बचेगा 54। ठीक है, तो क्या 54 के आगे हम सीक्वेंस में जाएं तो क्या 30 आएगा, मतलब यहाँ से 6 के पीछे जाएगा 5 आएगा, 29 में से 5 घटाएंगे 24, 54 में से 24 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। हमारा 54 सही आंसर है। समझ में आया क्या किया, इनका डिफरेंस देखा, डिफरेंस का भी डिफरेंस देख रहे हैं तो यहाँ से हमें सीक्वेंस मिल गया।
पहले 210-160 का अंतर 50, 160-118 का 42, फिर 35, फिर 29, ठीक है, 8, 7, 6, 5, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 115, 178, 241, 304 धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, तो कुछ जुड़ रहा होगा। इसका डिफरेंस देखें तो ये 3 और ये आया 63, 63 जुड़ा है। इसका डिफरेंस देखें 3 और 63, इधर भी 63 जुड़ रहा है, इसमें देखें 3 और 6, इसमें भी 63 जुड़ रहा है। तो आगे भी हम क्या करेंगे, 63 जोड़ देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 367, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, 18, 34, 66, 130, तो इसमें क्या किया गया है, इंटू 2, लगभग 2 के बराबर, लगभग 2 गुणा के बराबर है, फिर माइनस 2, इंटू 2 माइनस 2 करें, फिर इसके बाद में 34 इंटू 2 करेंगे तो 68 आ जाएगा, और माइनस 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो सीक्वेंस सीधा सीधा से मिल रहा है हमें, गुड़े 2 माइनस 2, गुड़े 2 माइनस 2, इसको भी 2 से गुड़ा करेंगे 132 आएगा, और माइनस 2 करेंगे 130 आ जाएगा, तो इसको भी 2 से गुड़ा करके माइनस 2 कर देना है, 130 को 2 से गुड़ा करेंगे 260, माइनस 2 करेंगे 258 आंसर, 258 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि आपके अगले जो एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी सीजीएल 2022 का, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकते हैं, ठीक है, तो उस लेवल की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगला क्वेश्चन है 38, 53, 70, 89, ये भी धीरे धीरे ग्रो हो रही है, तो इसमें भी डिफरेंस देखें, यहाँ पर कितना होगा, 12, 3, 15, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर है 17 का, यहाँ पर 19 का, ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का, आगे भी 2 का ही इंक्रीमेंट होगा, तो 19 में 2 का इंक्रीमेंट होगा तो 21, और यहाँ 21 अगर जोड़ देंगे तो ये आएगा 100, क्या आंसर आ जाएगा, नहीं 100 नहीं, 110, 21 जोड़ेंगे कितना आएगा, 110 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 35, 54, इसमें कितने का डिफरेंस है देखें, तो ये आएगा 9, 1, 19 आ गया, इधर से देखें तो ये 3, 2, 23 आया, यहाँ से देखें तो ये आएगा 9 और 2, 29, और यहाँ से देखें तो 1, 3, 31, तो ये 9, 23, 29, 31 ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, सीधे सीधे हमें दिख रहे हैं, तो 19 के बाद 23 आता है प्राइम नंबर, फिर 29 आता है, फिर 31, अब क्या आएगा, 37 प्राइम नंबर, तो इसमें 37 जोड़ना है, 37 का डबल करेंगे तो 174, मतलब 137 में ये वाला 37, 37 है ये, 37 जोड़ देंगे तो 174 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 137 में ये 37 जोड़ेंगे तो 174 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9, 38, 154, 618, अब इसको इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें क्या ये जोड़ करके ये आ सकती है, इतनी ये बन सकती है सीरीज़, 9 से लेकर के 618 हो गया, तो जोड़ करके तो आ नहीं सकती, मल्टीप्लाई करके ही आ रही होगी, तो 9 से कितने बार गुणा करें कि 38 आ जाए, 38 आ जाए, तो लगभग 4 बार जाएगा, ठीक है, प्लस 2 करना पड़ेगा, तो समझ में आया, 9 को 4 से गुणा किया गया, 38 आया, प्लस 2 कर दिया, अब इसमें फिर से मल्टीप्लाई करें कितने टाइम्स जाएगा, इतने से ही करके देखते हैं सबसे पहले, तो है ना 38 इंटू 4, तो ये आएगा आपका 4 चौके 16 और 2 चौके 8, 152, और प्लस 2 करेंगे तो 154, मतलब इंटू इसमें भी इंटू 4 प्लस 2 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इसका मतलब हमारी सीरीज किस सीक्वेंस में चल रही है हमें पता चल गया, इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2, इधर भी इंटू 4 प्लस 2 करेंगे तो 154 प्लस 2 करके देखें क्या 618 आ रहा है, तो 15 चौके 60 और 4 चौके 16, ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे, 600 को 4 से गुणा करेंगे तो 2400 आएगा, 18 को 4 से करेंगे तो 72 आएगा, और प्लस 2 कर देंगे और तो 2474 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन भी फास्ट रखनी है, इसमें टाइम भी बचाना है, क्योंकि रीजनिंग आपके मेंस में भी आ रही है, तो थोड़ा सा लेवल भी आपका बढ़ेगा, ये याद रखना आपको, इसको लेकर के अपने माइंड में रख करके तब तैयारी करनी है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो पीछे 2021 के जितने क्वेश्चन हैं, 20 के 18 19 जो भी है, मतलब 16 से लेकर के 21 तक के जितने भी नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे एक बार आपको गो थ्रू होकर के जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ग्रोथ देखो धीरे धीरे हो रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से कितना कम हुआ, -1, यहाँ से कितना कम हुआ, 77, 7 में से हट जाएगा 9, -9,
फिर यहाँ से कितना कम हुआ, यहाँ से 5, यहाँ से 225। अब सीधे से दिख रहा है क्या, स्क्वायर नंबर के जो स्क्वायर हैं वो कम हो रहे हैं। पहले ये किसका वर्ग है, 1 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 5 का वर्ग। अब किसका वर्ग कम होना चाहिए, 7 का वर्ग, है ना। अल्टरनेट नंबर्स के स्क्वायर हैं तो अल्टरनेट नंबर 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, कितना 49। इसमें से 49 माइनस करना है तो 43 इधर चला जाएगा, 6 उधर चला जाएगा तो 494 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, 543 में से 49 घटा देंगे तो 494 आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 2, 6, 10, 17। जिस सीरीज में ज़्यादा टर्म्स दिए होते हैं उसमें मिक्स्ड सीरीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मतलब उसमें ऐसे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि वो डबल डबल सीरीज उसमें चल रही होगी। ठीक है, मतलब इसमें अगर 4 से 5 टर्म्स दिए होते तो एक ही सीरीज चलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन जब ज़्यादा टर्म्स दिए होते हैं तो ऐसे समझ लो कि ये अल्टरनेट सीरीज चल रही होगी। ठीक है, इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देख लें एक बार क्या किया हमने, इसका डिफरेंस लिया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 35, 42, 378 ये है। इसके बाद में इसको इंटू 1 किया गया है, प्लस 3 किया गया है, इंटू 5 किया गया है, फिर प्लस 7 किया गया है, फिर इंटू 9 किया गया है, मतलब 1 से गुणा, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 5 से गुणा, 7 जोड़ा गया, 9 से गुणा, तो अब किसकी बारी आई, 11 जोड़ने की बारी आ गई। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 के बाद क्या आएगा, 11, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर गुणा, अब क्या आएगा, प्लस, तो इसमें 11 जोड़ेंगे कितना आएगा, 389 इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा, 861, ये आपका आंसर आ जाएगा, 861 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली सीरीज है 7, 16, 41, 94, 251। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका डिफरेंस देखो, यहाँ से 9 का डिफरेंस, यहाँ से 25 का डिफरेंस, यहाँ से 53 का डिफरेंस, यहाँ से 157 का डिफरेंस। ठीक है, इसमें रिलेशन है कुछ, 9 से 25, 25 किसी का वर्ग तो है नहीं, ये दो वर्ग हैं लेकिन आगे वर्ग नहीं है, तो हम क्या करें, देखें इसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, इंटू 3 माइनस 2 का, इधर से देखें तो इंटू 2 प्लस 3 का, इधर से देखें तो इंटू 3 माइनस 2 का, है ना, 5, 3 15, 3, 3 9 माइनस 2 का। तो अब हमें रिलेशन समझ में आ रहा है, इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2, फिर क्या, इंटू 2 प्लस 3, पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, मतलब 3 से गुणा करके 2 माइनस करो, 2 से गुणा करके 3 जोड़ दो, तो इसको अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 314 प्लस 3 317। अब इसमें 317 जोड़ेंगे तो ये हो गया 500 और 17 चौके 68, तो 568 इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, क्या किया गया है, पहले डिफरेंस देखा, फिर उसमें देखा सीक्वेंस क्या बन रहा है, इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3, इसका सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में आगे जो नंबर आएगा वो 317 आएगा, 317 जोड़ने पर 568 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखिए, इस सीरीज में हम लोग अल्टरनेट सीरीज एक बार देख लेते हैं कि अल्टरनेट सीरीज तो नहीं चल रही। इसमें देखें 1 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस और यहाँ पे 36 का डिफरेंस, तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, मतलब यही जो नंबर लिखे हुए हैं इसी का स्क्वायर कर दिया गया है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अब किसका, 42 का स्क्वायर करके और इसी में जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 1806 आ जाना चाहिए, है ना। इसी तरीके से अगर इसमें देखें 1 का डिफरेंस, यहाँ पर 8 का डिफरेंस, तो ये देखो 1 का क्यूब हो गया और ये 2 का क्यूब हो गया, अगर हम इसमें 10 का क्यूब जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 1000 और 10 जोड़ेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 1010, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, इधर से क्या किया जा रहा है, स्क्वायर जोड़े जा रहे हैं इसी नंबर में स्क्वायर जोड़ दिए जा रहे हैं, इधर क्या किया जा रहा है, क्यूब जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, तो जब इसका 10 का क्यूब जोड़ देंगे उसी में 10 में ही तो आ जाएगा 1010 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिफरेंस देखेंगे तो 13, 1, 14, इसका डिफरेंस देखेंगे तो यह आएगा 16, इसका डिफरेंस देखेंगे तो यह आएगा 18, तो 14 जुड़ा, 16 जुड़ा, 18 जुड़ा, आप 20 जोड़ दो सीधे सीधे और आंसर आपका आ जाएगा 107 आपका आंसर।
अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं, अल्टरनेट चल रही होगी सीरीज, क्या किया गया है, इंटू टू, फिर इंटू फाइव, फिर इंटू, ये माइनस कर दिया गया, ये इसका मल्टीपल है नहीं, तो देखो माइनस करके आना चाहिए, इंटू थ्री माइनस टू आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो इसमें देखें इंटू थ्री माइनस टू होना होगा, यहाँ पर भी है इंटू थ्री माइनस टू होगा, तो यही आगे भी चलेगा, इंटू थ्री माइनस टू करना पड़ेगा, तो 82 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 240 और 6 और 4 प्लस करें, 244 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 82 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस करने पर कितना आएगा, 244 आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों वीडियोज़ को मिला करके टोटल 35 क्वेश्चन कम्प्लीट कर लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन SSC CGL 2021 में नंबर सीरीज से पूछे गए थे, हर पेपर में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन थे, वो हमने सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लोग लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों को, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग संकल्प मैथ्स।